निर्गमन अध्याय 28, निर्गमन अध्याय 28। फिर तू इसराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, इलियाजार और इतमार नाम उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और तू अपने भाई हारून के लिए विभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाले आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और जामा, चार खाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद। यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और वे सोने और नीले और बैंजनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले, और वे एपोद को सोने और नीले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सीने के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो, और वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उनके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहे, और एपोत पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो, और सोने और नीले बैंजनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर दो सुलेमानी मणि लेकर उन पर इसराइल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से छह तो एक मणि पर और शेष छह नाम दूसरे मणि पर, इसराइल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम से जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन दो मणियों पर इसराइलों के पुत्रों के नाम खुदवाना, और उनको सोने के खानों में जड़वा देना, और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इसराइलियों के निमित्त स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों की नाई गुंथे हुए दो जंजीर चोखे सोने के बनवाना, और गुंथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद की नाई सोने और नीले बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो, और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक बित्ते की हो, और उसमें चार पांति मणि जड़ाना। पहली पांति में तो माणिक्य, पद्मराग और लाडली हो, दूसरी पांति में मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पांति में लशम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पांति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाए, और इसराइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार बारह नाम खुदे। बारह गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों की नाई गुंथे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना, और चपरास में सोने की दो कड़ियां लगवाना, और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना, और सोने के दोनों गुत्थे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना, और गुत्थे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा के एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उनके सामने लगवाना। फिर सोने की दो
और कड़िया बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद की भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उनके सिवाय सोने की दो और कड़िया बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटुकों के ऊपर लगवाना। और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी जाए। इस रीति वह एपोद के काढ़े हुए पटुके पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। और जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नाम को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुम्मीम को रखना। और जब जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इस्राएलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना और उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो और उस छेद की चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए। और उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उनके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए वह बाहर निकले तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चोखे सोने का एक टीका बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे और वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इस्राएली जो कुछ पवित्र ठहराए अर्थात अपनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। और अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का चारखाना बुनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और कारचो भी काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी विभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों के ये ही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांघ तक की हो। और जब जब हारून व उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे व पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाए तब तब वे उन जांघियों को पहने रहे, न हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे।